हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एफएनओ पे चर्चा। तो पास्ट के कुछ वीडियोस में हमने समझा था एफएनओ सेगमेंट फ्रॉम द बेसिक एंड हम आईवीआर आईवीपी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट तक, फ्रॉम द ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। सो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट। सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, द प्लेलिस्ट लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। तो बुल कॉल स्प्रेड आई वुड से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स को पता भी होगा। सो व्हाट हैपेंस इन बुल कॉल स्प्रेड इज, हम एक ऑप्शन जो है बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन, हम एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं एंड एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं एक हायर स्ट्राइक का। ना हम पहले समझते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड हम एग्जीक्यूट कब करते हैं एंड क्यों करते हैं। सो टेक एन सिंपल एग्जाम्पल, लेट से कि 15,850 पे निफ्टी है राइट नाउ। सो अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूँ, सो द प्रीमियम विच इज 75.8 रुपीज़, तो ये हमारा मैक्सिमम लॉस हो गया इन दिस सिनेरियो, फॉर एन एग्जांपल, कि इसके ऊपर तो लॉस होगा नहीं। बट आई वुड से निफ्टी अगर इसके बंद हुआ ना नीचे, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंटायर प्रीमियम, ये पूरा प्रीमियम जा सकता है ड्यू टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन में अगर निफ्टी यहाँ से समझ लीजिए कि अगर 15,800 पे बंद हुआ, तो ये ऑप्शन तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन पे, इसका तो वैल्यू ज़ीरो होना ही है। सो इन दैट केस हमारे पास जो है, पहले तो कुछ प्रीमियम बचेगा नहीं, एंटायर प्रीमियम जो भी हम बाय करने के लिए लगा रहे हैं टू बाय दैट ऑप्शन, एंटायर ऑप्शन प्रीमियम वुड बी लॉस्ट, फर्स्ट थिंग। कमिंग टू सेकेंड थिंग विच इज़ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब ऑप्शन जैसे हमने समझा था, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट यू मेक, ईच एंड एवरी पासिंग डे ऑप्शन का प्रीमियम कम होता रहेगा। सो सेकेंड सिनेरियो इज क्लियर कि अल्टीमेटली बाय करके रखेंगे, कुछ फ़ायदा होगा नहीं, एट द एंड वो ज़ीरो हो जाएगा अगर उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, तो टाइम वैल्यू उड़ा जाएगा सब प्रीमियम। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज कि इसका अल्टरनेटिव तो हमने ही सोचा था कि हम कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं या पुट ऑप्शन बेच सकते हैं कि अगर हमारा व्यू बुलिश है तो, बट दैट विल नॉट वर्क बिकॉज यू नो अनलिमिटेड रिस्क है। अल्टीमेटली एक छोटा सा प्रीमियम कमाने मार्केट में से, वी आर रिस्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद इट, तो एक अनलिमिटेड लॉस है, तो मुझे अनलिमिटेड लॉस में नहीं पड़ना है। सो नाउ अभी करें क्या इन दिस सिनेरियो, सो व्हाट विड वी डू इज वी विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस और आई वुड से इनिशिएट समथिंग लाइक एन बुल कॉल स्प्रेड, तो जिसमें हम बाय करेंगे ऑप्शन एक कम स्ट्राइक का, इन दिस केस 15,850 का हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जिसका प्रीमियम ज़्यादा हो, एंड जो उसके ऊपर वाला स्ट्राइक है उसका जो कॉल ऑप्शन है वो हम बेच देंगे। ओके, सो लेट्स से, सो नाउ लेट्स से कि 15,850 का जो कॉल है, जो एट द मनी है 75.8 पे प्रीमियम है उसका, वो हम बाय कर लेंगे, एंड 16,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम जो है, जो 22.55 पे है अभी, वो हम बेच देंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन बुल कॉल स्प्रेड, कि हम एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं जिसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेल्ड वन। तो जनरली कैसे करते हैं कि एट द मनी हम बाय करके एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। एक बेसिकली एक ऊपर वाला स्ट्राइक हमने बाय करना है, एंड जो नीचे वाला स्ट्राइक है, मतलब लेट से 15,850 का कॉल बाय किया है, तो उसके जो भी नीचे स्ट्राइक आएगा ना, मतलब 15,900, 15,950, 16,000, उसका स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल ऑप्शन बेच देंगे। सो इन दैट केस हमारा जो रिस्क है वो भी लिमिट हो जाएगा, जो थीटा डीके हो रहा है तो जो बेचा हुआ कॉल है वो हमें कमा के देते रहेगा। सो नाउ समझते हैं कि ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, समझते हैं मैक्स प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एंड जो मैक्स लॉस है कब होगा एंड कितना होगा इन दिस स्ट्रैटेजी। सो पहले आप ही समझते हैं ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। सो अभी समझते हैं ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। सो ब्रेक इवन का फॉर्मूला इज सिंपल, विच इज़ लोअर स्ट्राइक, तो हमने जो खरीदा हुआ ऑप्शन है, तो इन दिस केस हमने खरीदा है 15,850 एंड बेचा है 16,000, प्रीमियम भी मैंशनड है यहाँ पे। सो लेट्स से जो खरीदा हुआ ऑप्शन है वो तो लोअर स्ट्राइक हो जाएगा हमारा। सो जो लोअर स्ट्राइक है प्लस जो प्रीमियम में डिफरेंस है ना, 75 माइनस 22.55, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस इन प्रीमियम। सो नाउ इन दिस केस 75 माइनस 22.5, विच इज 53.3 रुपीज़। सो नाउ लोअर स्ट्राइक जो खरीदा है हमने ऑप्शन, सो विच इज 15,800 प्लस जो हमारा डिफरेंस है आउटफ्लो में, दैट। सो जो ब्रेक इवन आएगा ये स्ट्रैटेजी का 15,900 पे आएगा एज ऑन द एक्सपायरी डे। तो हम जो अभी पीएनएल कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज एज ऑन द एक्सपायरी डे।
सो इन दैट केस अगर 15,900 के ऊपर निफ्टी रहता है, हम कुछ ना कुछ पैसा बनाएंगे वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में से। 15,900 के आसपास के निफ्टी नीचे जाता है थोड़ा भी, वी विल स्टार्ट टू मेक अ लॉस। सो 15,900 दैट एक्ट्स लाइक माई ब्रेक इवन लेवल, उसके थोड़ा आसपास से वी विल ऑब्जर्व दैट दैट लेवल इज गोइंग टू बी माई ब्रेक इवन। अभी समझते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या लेवल पे होगा एंड कितना होगा ये स्ट्रैटेजी में। सो द मैक्सिमम प्रॉफिट इज डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस माइनस द प्रीमियम। सो डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस इज 16,000 माइनस द स्ट्राइक, ओके। सो 150 रुपये का 150 पॉइंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे। सो नाउ विच इज, सो लेट्स से व्हाट इज गोइंग टू बी द केस, डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक विच इज 150 माइनस द डिफरेंस ऑफ प्रीमियम। सो नाउ इन दिस केस 96.7 into the lot size, that is my maximum profit. So which is, let's say 96.7 into the lot size of Nifty, which is 75. So 7,252.5, okay, 7,250. So that is my maximum profit out of this strategy. Uske upar profit nahi jayega. And ye strike, ye maximum profit jo hai, wo kab aayega? So jo maximum profit hai, jo becha hua leg hai hamara, jo 16,000 hai, तो 16,000 पे एंड थोड़ा सा, मतलब 16,000 के आसपास एक्सपायरी डे पे 16,000 एंड उसके ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी माई मैक्सिमम प्रॉफिट। सो 16,000 इज द लेवल वेर द बेचा हुआ जो लेग है हमारा, द सोल स्ट्राइक बिकम्स माई लेवल ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। उसके ऊपर निफ्टी कहीं पे भी गया, स्टिल वी आर गोइंग टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज दिस मच, विच इज 7,256। एंड वो कब आएगा? आई वुड से द सोल्ड लेग, जो हायर लेग है, दैट इज गोइंग टू बी माई मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट। मतलब उसके थोड़ा आसपास एग्जैक्टली नहीं, बट मतलब ऐसा नहीं कि 16,000 मतलब 16,000, उसके विद इन दैट रिजिम। तो मैक्सिमम लॉस कब होगा वो समझते हैं। सो मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला इज प्रिटी सिंपल, विच इज जो प्रीमियम बाय किया है, जो प्रीमियम पे किया है माइनस द सेल प्रीमियम। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 75 का 15,850 का जो कॉल है वो खरीदा है, तो 75.8 माइनस जो सेल किया हुआ लेग है उसका प्रीमियम माइनस 22.5, सो विच इज 53.3 रुपीज। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, सो दिस डिफरेंस इज माय मैक्स लॉस ओवर हियर। सो वी वोंट कैलकुलेट इट अगेन, सो दिस इज माय मैक्स लॉस एज ऑन द एक्सपायरी डेट। एंड ये मैक्सिमम लॉस होगा कब? तो मैक्सिमम लॉस तब होगा जब निफ्टी 15,850 या 15,850 के नीचे जाता है, एट दैट टाइम एज ऑन द एक्सपायरी डे मेरा मैक्सिमम लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस लेवल एक्ट्स लाइक माई मैक्सिमम लॉस, कि यहाँ पे से मेरा मैक्सिमम लॉस है 15,850 पे है, उसके नीचे गया स्टिल फाइन, मतलब वो तो लॉस इतना ही रहेगा 53.3 रुपीज़ इनटू लॉट साइज, उसके ऊपर लॉस जाएगा नहीं। बट वो स्टार्ट कब होगा? जब हमने खरीदा हुआ जो लेग है उसके आसपास निफ्टी आने लग जाता है सब। सो दैट वॉज द सिंपल बुल कॉल स्प्रेड, बट यू नो हमें एज वी हैव अ मच मोर सिंपल टूल फॉर इट। सो हम आ गए आर्किटेक्ट में, तो वी नीड टू सिलेक्ट आर सिंबल फर्स्ट। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है निफ्टी, ओके। देन जो कुछ भी प्राइस है, तो स्ट्राइक प्राइस 15,850 हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, बट द प्राइस जिस पे हमने कैलकुलेशन किया था दैट वाज 75.8। तो ऑटोमेटिकली पहले तो वो जो प्राइस है अभी मार्केट में वो कंसिडरेशन में लेगा, सो वी नीड टू गिव मैनुअल इनपुट्स अबाउट इट। सो नाउ लेट्स से आई क्लिक ऑन ऐड बटन, तो ये जो हमारा लेग है, माई वन लेग हैज़ बीन एडेड, जहाँ पे जब वाइट डॉटेड लाइन इज शोइंग अस टुडे सीओडी पीएनएल, जो आज का अप्रॉक्सीमेट एंड ऑफ द डे पीएनएल है, तो वाइट लाइन हमें ये बताता है कि से फॉर एग्जांपल निफ्टी 15,840 हो गया, तो आज का ईओडी जो पीएनएल है दैट इज शोन टू अस बाय वाइट लाइन विच इज 65 रुपीज पॉजिटिव। वेराज अगर हमने सेम जो कॉल ऑप्शन है उसको होल्ड किया टिल एक्सपायरी, हमारा जो पीएनएल होगा दैट वुड बी 5,600 रुपीज ऑफ लॉस। अगर हमने डे स्लाइडर जो है उसको वन डे पे मूव किया, तो हमें जो पीएनएल है वो टी प्लस वन पीएनएल, मतलब करंट डे प्लस वन डे का, मतलब कल का ईओडी पीएनएल देखने मिलेगा। सिमिलरली दो दिन पे हम लेके गए डे स्लाइडर को, तो परसों का ईओडी पीएनएल। सो नाउ वी हैड सोल्ड एन ऑप्शन एज वेल, जिसका स्ट्राइक प्राइस था 16,000 एंड जो प्राइस था वो ऑप्शन का दैट वॉज 22.5। एंड अगर हम सेल किया है ऑप्शन, तो आई विल क्लिक ऑन एस एंड आई विल क्लिक ऑन एड बटन। सो दिस इज द पे ऑफ चार्ट। सो नाउ नो नीड टू डू इट ऑन एक्सेल, मतलब एक्सेल वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मच मोर बेटर।
इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आर्किटेक्ट में आ जाना है, तो हमें तुरंत ही हमारा जो कुछ भी कस्टम स्ट्रैटेजी है उसका पे ऑफ चार्ट देखने मिलेगा। तो जैसे हमने एक्सेल में किया था, वेर इन माई मैक्सिमम प्रॉफिट एज ऑन द एक्सपायरी डेट वॉज एट 16,000, ओके, जो हमने सेल किया हुआ लेग है बेसिकली, दैट इज़ माई मैक्सिमम प्रॉफिट विच इज़ एट 16,000, उसके ऊपर तो प्रॉफिट जा नहीं रहा, उसके ऊपर निफ्टी जा रहा है, सो वी आर मेकिंग सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सिमिलरली जो हमारा मैक्स लॉस है, जो हमने खरीदा हुआ लेग है हमारा, उसके जैसे ही आसपास निफ्टी आ जाता है, वी विल स्टार्ट टू मेक अ लॉस, एंड दैट इज बेसिकली माई मैक्सिमम लॉस। एंड जीरो एक्स लाइक माई ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन था एज वी हैड कैलकुलेटेड, इट वॉज 15,903। तो जब निफ्टी उसके आसपास आएगा, उसके ऊपर जो कुछ भी रहेगा वी विल मेक अ प्रॉफिट, उसके नीचे जाएगा निफ्टी वी विल मेक अ लॉस। सो तो बेसिकली हम यहाँ पे आके यू कैन ट्वीक अराउंड विद द डेज एंड यू नो इट विल डायरेक्टली शो अस द डे ऑन डे PNL चार्ट फॉर एनी स्ट्रैटेजी ऑफ योर्स। सो आई वुड से दैट प्रिटी मच वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो, जिसने हमने समझा एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी विच इज अ बुल कॉल स्प्रेड एंड हाउ आर मैक्सिमम लॉस मिनिमम आई वुड से मैक्सिमम प्रॉफिट ब्रेक इवन कैसे निकलता है वो सब। सो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो यू कैन डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड, जिसमें हम वेबिनार्स भी कंडक्ट करते हैं कि अपार्ट बुल कॉल स्प्रेड इज नॉट अबाउट ओनली यू नो बाइंग एन ATM एंड जस्ट सेलिंग एन OTM। बुल कॉल स्प्रेड का स्ट्रैटेजीज जो है, हाउ वी कैन ट्यून द स्ट्रैटेजीज फर्दर, तो वो हम कंडक्ट करते हैं इन एन वेबिनार वेर वी डिस्कस इन डिटेल। सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो सो यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन, सो व्हेनेवर वी आर लाइव विद समथिंग विद एन वीडियो और एन वेबिनार, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।